क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक और सियासी भूचाल आएगा? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या फिर से महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इनकी वजह क्या है? दरअसल बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले लोग मानते हैं कि वहां पर्दे के पीछे काफी कुछ घटित हो रहा है। इस बीच शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के बचे सभी 13 विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। इसके साथ ही उदय सामंत ने दावा किया कि एनसीपी के 20 विधायक और कई कांग्रेस नेता भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं। उदय सामंत के खुलासे पर उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने पलटवार किया है। अंबादास दानवे ने दावा करते हुए कहा कि सरकार में अस्थिरता है, अब शिंदे समूह को पता चल जाएगा कि बीजेपी के लोग उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। इसीलिए उदय सामंत को अपने 16 अयोग्य विधायकों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और दानवे ने भी जोर दिया है कि वो पहले अपनी सदस्यता का ध्यान रखें। इसके साथ ही अंबादास दानवे ने बीजेपी की आलोचना भी की है। दानवे ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को तोड़कर जनमत बनाने की कोशिश कर रही है। उन्हें लगा कि ये लोग गए तो सारी शिवसेना आ जाएगी, लेकिन शिवसेना के पास महाराष्ट्र का स्वाभिमान है और वो एक गद्दार के साथ नहीं रह सकती है। आपको बता दें कि उदय सामंत और अंबादास दानवे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में बड़े सियासी संकट और बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एनसीपी में बड़ी फूट हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हालिया बयानों ने भी सस्पेंस को बढ़ा दिया है। रोटी पलटने की जो उन्होंने बात कही है वो भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कहा जा रहा है कि इशारों में अजीत पवार पर उन्होंने बात कही। हालांकि अजीत पवार खुद सफाई दे चुके हैं कि नहीं, उन्होंने संगठन के विषय में यह टिप्पणी की है। बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को जल्दी नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, जिसमें एनसीपी नेता और विपक्ष के नेता अजीत पवार के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। वहीं पवार ने गुरुवार को मुंबई में आयोजित युवा मंथन कार्यक्रम में रोटी पलटने की बात कह डाली। पवार बोले, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है, अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब यही सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम करें। पवार का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार के नए राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वो भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं, हालांकि अजीत पवार इन अटकलों को खारिज भी कर चुके हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी या महाविकास अघाड़ी जो है वो गठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ उसमें शरद पवार चले जाएंगे। एनसीपी इसका महत्वपूर्ण घटक दल है। दरअसल इस वक्त भाजपा को भी शिंदे के साथ साथ किसी दूसरे साथी की जरूरत है, जिसके साथ मिलकर लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में मजबूती से आगे बढ़ सके। वहीं एनसीपी को पता है कि अगर वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हिस्सा बने रहते हैं तो चुनाव में उनकी पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ऐसे में संभव है कि वो खुद नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। गठबंधन छोड़कर वो या तो अकेले दम पर चुनाव लड़ने को तैयारी करें या फिर भाजपा के साथ जा सकते हैं। पवार ने पिछले दिनों भी गठबंधन से हटकर अदाणी के मुद्दे पर अपनी अलग राय दी थी। उन्होंने कहा था कि अदाणी ग्रुप के मामले में जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि ये उनकी निजी राय है, हमारे साथ इस मुद्दे पर 19 दल हैं। अब शरद पवार के नए बयान से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। सवाल उठने लगा है कि आखिर शरद पवार किस रोटी को पलटने की बात कर रहे हैं? क्या फिर से महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है या फिर पार्टी को लेकर पवार कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? इस समय शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कांग्रेस और शिवसेना के साथ तो गठबंधन चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में ये माना जा रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी अपने लिए नए सहयोगियों की तलाश में है। 16 विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। इस सब के बीच में शिंदे गुट का ये कहना कि बचे हुए उद्धव गुट के 13 विधायक हमारे संपर्क में हैं, वहीं अंबादास दानवे का ये स्पष्ट तौर पर कहना कि सरकार गिरने वाली है और अपनी सदस्यता को बचाने पर इन्हें विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर ये इस ओर इशारा कर रहा है कि दोनों ही तरफ से ये सुगबुगाहट बहुत तेज़ है और शिंदे और फडणवीस निश्चित तौर पर अपनी सरकार को मजबूत बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए प्रयासरत दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें शरद पवार या उद्धव गुट के विधायक कितनी मदद करते हैं देखने वाली बात होगी, या फिर उद्धव गुट के जो दावे हैं वो सच साबित होते हैं। मन से उजाला चले।